स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 की प्रॉब्लम नंबर 5 है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस a, ठीक है। आपसे बोला गया है कि आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प के साथ ये प्रूव करना है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो वो इन तीन फॉर्म्स में आता है, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में, राइट। सो इसके लिए पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंडीशंस देखेंगे, ठीक है, और साथ में अपना पॉजिटिव इंटीजर जो है उसको a अज्यूम करके चलेंगे। सो आप लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर एनी पॉजिटिव इंटीजर B, A, ठीक है। तो अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा देखें तो उसके अकॉर्डिंगली क्या कंडीशन आती है, सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारे पास जो ए आता है वो बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में आता है, राइट। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो तीन फॉर्म्स दी हैं आपने इनको बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिखना है, राइट। तो अगर हम ये जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर गिवन है इसको देखें, ये नाइन है, ठीक है। नाइन को हमने बी के इक्वल करना है, ठीक है। नाइन को हम एज इट इज क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला गया, राइट। तो ऑब्वियसली बी जो है वो नाइन तो हो नहीं सकता है, लेकिन अगर मैं नाइन को तोड़ के लिखती हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली थ्री का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो सकता है, राइट। सो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल कर दिया, दैट मीन्स बी की वैल्यू जो है वो 3 आ सकती है, ठीक है। कि इन फ्यूचर अगर मैं इसका स्क्वायर भी लेती हूँ या फिर कॉमन भी लेती हूँ तो मेरे पास 9 आए, राइट। सो आई कैन से कि B जो है इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब रिमाइंडर की कंडीशन क्या आती है कि रिमाइंडर जो है वो 0 भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो B से कम ही आएगा, दैट मीन्स 3 से कम आना चाहिए। सो आप लिख सकते हो, वेयर रिमाइंडर कैन बी 0 और मोर देन 0 बट इट शुड बी लेस देन 3, ठीक है, कि ये 3 से कम ही आएगा। इन दैट केस हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी रिमाइंडर की, दैट विल बी जीरो हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। वाई? क्योंकि हमें रिमाइंडर जो है वो लेस देन 3 ही लेके चलना है, तो यही तीन वैल्यूज जो है वो पॉसिबल है। ओके, नाउ अगर हम अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम b की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है, ठीक है, जिस पे हमने क्यूब जो है अप्लाई करना है, दैट विल बी 3q प्लस r, राइट। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 कह सकते हो, राइट। तो अब हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई है रिमाइंडर की, राइट। तो हम केस 1 लेके चलेंगे। सो केस 1 विल बी व्हेन आर इक्वल टू 0, देन अब ए इक्वल टू 3q प्लस आर जो है ये क्या हो जाएगा, देन ए इक्वल टू 3q प्लस आर की वैल्यू पुट कर दी, 0 आ गई। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए इक्वल टू 3q आ गया, राइट। अब हमने क्या करना है, हमने क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर करना है, दैट मींस कि हमने ए का क्यूब करना है। डेफिनेटली अगर ए का क्यूब आता है तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 3q आ रही है, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। सो क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट ए क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब आ गया, राइट।
सो जब आपने 3 का क्यूब किया तो दैट विल बी 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, सो 27 क्यूब आ गया, राइट। तो अगर मैं इसमें से 9 कॉमन निकाल लोगे, सो 9 3 क्यू का क्यूब आ गया, राइट। अब ये जो 3 क्यू का क्यूब आया है इसको आप एम अज्यूम कर लोगे, सो इट विल बी ए इक्वल टू 9 m, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वेयर 3 क्यू क्यूब इक्वल टू m, मतलब कि आपने ये जो वैल्यू है इसको m अज्यूम कर लिया। तो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन थी कि आपने प्रूव करना था कि हमारे पास क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में आना चाहिए, 9 m की फॉर्म में आना चाहिए, दैट इज प्रूवन, राइट। तो अब हम केस टू लेके चलते हैं, अगर रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो हम 1 अज्यूम करके चलते हैं, सो व्हेन r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, राइट। तो अब इसका भी हम क्यूब कर लेंगे, सो क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अगर आप देखो तो आपके पास ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसको ए अज्यूम कर लेती हूँ 3 क्यू को और इसे बी अज्यूम कर लेती हूँ तो इट इज ए प्लस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट विल बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। दैट मीन्स कि आपने ये जो आपके पास 3 क्यूब प्लस 1 है, ठीक है, इसका होल क्यूब जब किया तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना होगा, सो ए क्यूब इक्वल टू, अब 3 क्यू का क्यूब करोगे आप, सो 3 क्यूब का क्यूब आ गया, ठीक है, बी मतलब 1 का क्यूब आ गया प्लस 3 इंटू ए, दैट मीन्स 3 क्यू इंटू b, हम 1 ले रहे हैं सो 1 आ गया, ब्रैकेट में ए प्लस बी दैट मीन्स 3 क्यू प्लस 1 आ गया, ओके। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, सो ए क्यूब इक्वल टू 3 का जब आपने क्यूब किया तो दैट विल बी 27 क्यू का क्यूब आ गया प्लस 1 आ गया, क्योंकि 1 का क्यूब कर दो आप तब भी 1 ही आता है, ओके। सो 3 इंटू 3 9, ठीक है, सो 9 क्यू, क्योंकि 1 के साथ अगर आप 9 को मल्टीप्लाई करते हो तो 9 ही आएगा, 3 क्यू प्लस 1 आ गया। अब 9 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, सो ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 दैट विल बी 9 क्यू आ गया। 1 जो है वो आप रीअरेंज करके लिख लोगे, सो आप बाकी क्यू की वैल्यू जो है वो इकट्ठी कर लोगे, सो 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, ठीक है, ये आपने एक जगह लिख ली वैल्यू प्लस 1 लिख लिया। अब इसमें से आप जो है 9 कॉमन निकाल सकते हो, सो ए क्यूब इक्वल टू 9 आपने कॉमन निकाल लिया, सो पीछे क्या रह गया, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस ओनली क्यू प्लस 1। अब हमने किस फॉर्मेट में लेके आना था, 9 m प्लस 1 के फॉर्मेट में। तो ये जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू आई है इसको मैं m अज्यूम कर सकती हूँ, सो ए क्यूब इक्वल टू 9 m प्लस 1 आ गया, राइट। तो अब ब्रैकेट में लिख सकते हो वेयर 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू m, कि आपके पास ये जो वैल्यू आई है इसको हम एम अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने प्रूफ कर दिया कि अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लेती हूँ, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में आएगा, 9 m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। तो लास्ट केस हमारे पास, अगर हम रिमाइंडर की वैल्यू 2 लेके चलते हैं, केस 3, व्हेन आर इक्वल टू 2 आ गया, राइट।
तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, द इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन कौन सी ले रहे हैं हम, फर्स्ट वन, ठीक है, वो क्या बन जाएगी, दैट विल बी ए इक्वल टू 3q+2, राइट। अब हमने जो अपना क्यूब का प्रेशन है वो इस पे अप्लाई करना है, सो क्यूबिंग बोथ साइड्स, वी गेट, नाउ ए का आपने क्यूब कर दिया, ठीक है, जो ए की वैल्यू है 3q+2, इसका भी आपने क्यूब कर दिया, ओके। सो यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला लग रहा है, अगर मैं इसको ए अज्यूम करके चलती हूँ, इसको बी अज्यूम करके चलती हूँ, सो ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या देगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। अब आप इसको भी उसी फॉर्म में लिख सकते हो, सो ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, दैट मीन्स 3q का क्यूब आ गया, बी क्यूब दैट मीन्स 2 का क्यूब कर दिया आपने, राइट। 3 इंटू ए की वैल्यू 3q है, ठीक है, बी की वैल्यू 2 है, ए प्लस बी 3q+2 आ गया, ओके। सो ए क्यूब इक्वल टू 3q³, दैट मीन्स 3 का क्यूब किया 27 आ गया, ठीक है, क्यू क्यूब आ गया, प्लस 2 का क्यूब किया 8 आ गया आपके पास, प्लस 3 इंटू 3 दैट विल बी 9, 9 इंटू 2 दैट विल बी 18q, 3q+2। अब आप 18q को 3q+2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। सो ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस 18 इंटू 3 दैट विल बी 54q², 18 इंटू 2 36 आ गया, सो क्यू आ गया। अब आप 8 जो है उसको साइड पे रख दोगे, क्यू की वैल्यूज जो है उसको इकट्ठा कर दोगे, सो ए क्यूब इक्वल टू 27q³ +54q² +36q, इसको आपने इकट्ठा कर दिया वैल्यू को, प्लस 8 जो है वो अपने अलग से रख लिया, राइट। तो हमने इसको किस फॉर्म में तोड़ना था, इसको हमने 9m+8 की फॉर्म में तोड़ना था, राइट। तो जो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है इसमें से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं, सो जब आपने 9 कॉमन निकाला तो पीछे क्या रह गया, ठीक है, 27 में से 9 कॉमन निकाला, 3 रह गया, 3q³ आ गया, ओके। और 54 में से 9 कॉमन निकाला, 6 रह गया, सो 6q² प्लस 36 में से 9 कॉमन निकाला, 4 रह गया, सो 4q+8। अब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है इसको मैं एम अज्यूम कर सकती हूँ, सो दैट विल बी 9m+8, ब्रैकेट में लिख लो, वेयर 3q³ 6q² + 4q=m, कि आपके पास ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आई है इसको आपने एम अज्यूम कर लिया है। तो अब हमने जो लास्ट फॉर्म प्रूव करनी थी कि अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करती हूँ तो वो मेरे पास 9m+8 की फॉर्म में भी आता है, राइट। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, ओके। सो यू कैन राइट देयर फोर ए पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, क्यूब कैन बी एनी ऑफ द फॉर्म नाइन एम प्लस वन और 9m+8, हेंस प्रूव्ड।